अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं? ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यार, और मैं आपसे एक वाक्य शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ कल पेश आया, और वो मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप भी केयरफुल रहें। हुआ ये कि 1 बजे तकरीबन रात को मैं अपनी मदर को पिक करने गया, जो कनाडा से आ रही थी, और एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हुई है, तो मुझे रास्तों का नहीं पता चल रहा था कि किस तरह मैंने एंटर होना है एयरपोर्ट में। ठीक है, जो है कि काफ़ी देर लगी मुझे एंटर होते हुए। उसके बाद जब मैंने मदर को पिक कर लिया, और पिक करके जब मैं वापस आ रहा था, तो जब मैं रिंग रोड पे चढ़ने के लिए, आपको पता कर्व आता है, तो जब मैं कर्व पे था, तो वहाँ मैंने देखा कि राइट साइड पे 2 बंदे बैठे हैं। ठीक है, और उन्होंने वो शलवार कमीज पहनी हुई थी वाइट कलर की, और गंदे से उनके कपड़े थे। ठीक है, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि जो है आप इनसे पूछ लें, मगर जो है ना मुझे ऐसा लगा कि ये लोग ठीक नहीं है, तो मैंने अपनी जो है ना गाड़ी की स्पीड तेज़ कर ली। जैसे ही मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ की ना, तो वो एकदम मेरे राइट साइड पे आ गया, और उसने गन निकाल ली, और गन निकाल के उसने मुझे बोला कि रुको। ठीक है, मगर शायद मैंने सही किया नहीं किया, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। मैंने जो गाड़ी की बहुत तेज़ स्पीड कर दी, और वो मेरे पीछे भागा। ठीक है ना, और मैं निकल गया, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। और उसके बाद मुझे बस यही डर था कि वो बैक फायर ना कर दे। ठीक है, अगर बैक फायर कर देता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना था मेरे से। तो फिर मैं जब निकल गया, तो उसके बाद मैंने फिर 15 को कॉल की। ठीक है, 15 को कॉल की, पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया पुलिस ने। ठीक है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप भी लेट नाइट किसी अपने रिलेटिव्स को पिक करने जाते हैं, तो आप भी केयरफुल रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा है, और एयरपोर्ट की जो सराउंडिंग में, आपको पता है कि लाइट्स कम है और काफ़ी सुनसान है। ठीक है, तो आप जो है केयरफुल रहिएगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो और इस तरह मेरी कोई अच्छी अच्छी वीडियोस आप पे आती रहेंगी, और आप देखिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।